Assalamu alaikum, one class. How are you all? Today we are going to start chapter number 4, Computer Mouse. The learning objectives are identify computer mouse and its buttons, hold the mouse properly, identify single click and double click, identify mouse pad and its use. अच्छा, इस चैप्टर को रीड आउट करने के बाद हमें पता चल जाएगा कि कंप्यूटर माउस क्या है, उसके कितने बटन्स हैं, कैसे उसको प्रॉपरली होल्ड करना है, और सिंगल क्लिक और डबल क्लिक के बारे में जान जाएंगे और माउस पैड का यूज करना जान जाएंगे. ठीक है, ओके, लेट्स स्टार्ट रीडिंग. अ कंप्यूटर माउस इज डिफरेंट फ्रॉम अ माउस रनिंग इन योर होम. कंप्यूटर माउस हेल्प्स टू मूव पॉइंटर ऑन द स्क्रीन. यहाँ पे आपको दो पिक्चर्स नजर आ रही हैं, ठीक है, एक एनिमल माउस है और एक मशीन माउस है. ठीक है, तो एनिमल माउस तो समटाइम्स हमारे घर में आ जाता है, ठीक है, लेकिन ये वाला माउस जो है ये क्या है, एक मशीन है, कंप्यूटर का पार्ट है. ठीक है, दोनों के नेम तो सेम है, लेकिन माउस, ये वाला माउस एक मशीन है और ये एक एनिमल है. ठीक है, चले अब हम माउस पैड के बारे में पढ़ते हैं. द कंप्यूटर माउस इज केप्ट ऑन अ पैड called mouse pad. It helps to move the mouse easily. It also keeps the mouse dust free. अच्छा, इस पिक्चर को आप देख लें, यहाँ पे माउस है और इसके नीचे माउस पैड रखा हुआ है. ठीक है, तो ये माउस पैड किस लिए यूज होता है, स्क्रीन पे जो है ना, आपको ये जो एरो नजर आ रहा होगा, इस ये कर्सर कहलाता है. ठीक है, या माउस पॉइंटर भी होता है. इस एरो को मूव करने के लिए हम जो है माउस का यूज करते हैं. ठीक है, लेकिन इस एरो को स्मूथली मूव करने के लिए हम माउस के नीचे माउस पैड रखते हैं. ठीक है, ताकि कर्सर स्मूथली मूव हो सके. ओके, फिर उसके बाद हमारे पास माउस बटन्स आ जाते हैं. कंप्यूटर माउस कंसिस्ट ऑफ टू और थ्री बटन्स. इफ अ माउस हैज टू बटन्स, इट ऑल्सो हैज अ व्हील इन सेंटर. अच्छा, देखिए यहाँ पे हमारे पास माउस में दो बटन ऊपर बने हुए हैं. एक हमारे पास है लेफ्ट माउस बटन, दूसरा है हमारे पास राइट माउस बटन, और बीच में एक स्क्रॉलिंग व्हील भी बना हुआ है. ठीक है, और ये माउस किसके ऊपर रखा गया है, माउस पैड के ऊपर रखा गया है. ओके, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट, हमारे पास जो पेज नंबर 33 है, उसमें हमने ये सीखना है कि आपने माउस को होल्ड कैसे करना है. ठीक है, व्हेन यू होल्ड अ पेंसिल, यू होल्ड इट विद योर थंब एंड टू फिंगर्स. जब भी आप अपने पेंसिल को होल्ड करते हो, उसको आप थंब से और टू फिंगर्स से होल्ड करते हो. ठीक है, इसी तरह माउस को पकड़ने का भी एक राइट वे है. यू मस्ट होल्ड द माउस इन अ राइट वे. अ स्टूडेंट हु इज लेफ्ट हैंडेड विल होल्ड द माउस इन अ डिफरेंट वे देन अ राइट हैंडेड स्टूडेंट. The right-handed students will put the index finger on the left mouse button and middle finger on the right mouse button. अच्छा, इसमें हमारे पास दो तरीके बताए हैं. ठीक है, एक तो ये होता है कि कुछ स्टूडेंट्स जो है वो लेफ्ट हैंडेड होते हैं और ज्यादातर तो स्टूडेंट्स राइट हैंडेड ही होते हैं. ठीक है, तो दोनों कैसे माउस को होल्ड करेंगे उसका अलग अलग मेथड बताया हुआ है. ठीक है, जो राइट जो सबसे पहले उन्होंने लेफ्ट हैंडेड का बताया कि लेफ्ट हैंडेड स्टूडेंट्स कैसे होल्ड करेंगे. सर, यहाँ पे उन्होंने पहले राइट हैंडेड का बताया. राइट हैंडेड स्टूडेंट्स कैसे होल्ड करेंगे, उन्होंने क्या करना है कि इंडेक्स फिंगर को जो है वो पुट द इंडेक्स फिंगर ऑन द लेफ्ट माउस बटन. लेफ्ट माउस बटन पे आपने इंडेक्स फिंगर रखनी है. ठीक है, और मिडिल फिंगर आपने राइट माउस बटन पे रखनी है. ठीक है, और अपना थंब जो है वो बिल्कुल साइड पे रखना है. तो ये मेथड है राइट हैंडेड स्टूडेंट्स के लिए. ठीक है, जो उन्होंने माउस को कैसे होल्ड करना है. Then left-handed students के लिए क्या है कि उन्होंने index finger को right mouse पे रखना है. ठीक है, और जो middle finger है वो left mouse button पे है. ठीक है, और thumb अपना side पे रखना है. ठीक, तो mouse को hold करने के two methods हैं. Right-handed students भी कैसे hold कर सकते हैं उसका भी बताया हुआ है, और left-handed students जैसे hold करना चाहते हैं उसका method भी बताया हुआ है. ठीक है, देन हमारे पास आ जाता है कलर द पिक्चर गिवन बिलो एंड लेबल इट. अब ये हमारे पास माउस है, उन्होंने बताया है कि आपने बताना है कि कौन सा लेफ्ट माउस बटन है, कौन सा राइट माउस बटन है, और यहाँ पे इसके एरो दिया हुए नीचे क्या है, माउस पैड है. ठीक है, तो यहाँ पे आप माउस पैड लिखेंगे, ये राइट माउस बटन हो गया और ये लेफ्ट माउस बटन हो गया. ठीक है, अच्छा, फिर उसके बाद हमारे पास माउस पॉइंटर आ गया. अच्छा, इधर देखिए आप स्क्रीन पे, ये देखो आपको एक एरो नजर आ रहा होगा, ये आपका क्या है, माउस पॉइंटर. अब यहाँ पे हाउ विल यू पॉइंट थिंग्स ऑन अ कंप्यूटर, कंप्यूटर पे आप थिंग्स को कैसे पॉइंट करते हो, मींस आपने आइकन्स को क्लिक कैसे करना है.
वी यूज एरो इन द कंप्यूटर टू पॉइंट थिंग्स. इस एरो को हम यूज करते हैं थिंग्स को पॉइंट करने के लिए, राइट. द एरो ऑन द कंप्यूटर मॉनिटर इज कॉल्ड द माउस पॉइंटर. इसको हम एरो भी बोल सकते हैं, इसको हम कर्सर भी बोल सकते हैं, इसको माउस पॉइंटर भी बोल सकते हैं, ठीक है. व्हेन यू मूव द माउस ऑन द माउस पैड यू विल सी द माउस पॉइंटर मूविंग ऑन द स्क्रीन. जब आप माउस को जो है ना माउस पैड के ऊपर रखते हैं और फिर उसको स्मूथली आप मूव कर रहे होते हैं माउस को, ठीक है, तो आपका जो कर्सर है या माउस पॉइंटर है वो भी स्मूथली जो है वो आपके मॉनिटर पे मूव हो रहा होता है, राइट. अच्छा, फिर उसके बाद हमारे पास आ जाता है क्लिकिंग द माउस. यहाँ पे हमारे पास क्लिकिंग द माउस में हमारे पास आ जाता है सिंगल क्लिक, डबल क्लिक, या लेफ्ट क्लिक, या राइट क्लिक के बारे में हम जानेंगे, ठीक है. अच्छा, व्हेन यू हैव टू लिसन टू म्यूजिक यू प्रेस द प्ले बटन ऑफ योर टेप रिकॉर्डर. व्हेन यू प्रेस द बटन यू हियर अ क्लिक साउंड. अच्छा, जब भी आपने म्यूजिक सुनना हो तो आप टेप रिकॉर्डर का जो बटन है वो प्रेस करते हो तो आपको एक साउंड सुनाई देती है, ठीक है. तो वो कौन सी साउंड होती है? क्लिक की साउंड होती है, राइट. इसी तरीके से अगर आप माउस का लेफ्ट बटन प्रेस करोगे, ठीक, या राइट बटन प्रेस करोगे तो आपको एक साउंड सुनाई देगी, और वो साउंड कौन सी साउंड होगी? क्लिक की, ठीक है. अच्छा, व्हेन यू प्रेस द लेफ्ट बटन ऑफ द माउस इट इज कॉल्ड लेफ्ट क्लिक. जब आप लेफ्ट बटन को प्रेस करोगे, ठीक है, माउस के लेफ्ट बटन को प्रेस करोगे तो वो लेफ्ट क्लिक होगा, और जब आप राइट बटन को प्रेस करोगे तो वो राइट क्लिक होगा, और जब आप लेफ्ट बटन को टू टाइम्स प्रेस करोगे तो वो डबल क्लिक हो जाएगा, ठीक है. तो ये आपका चैप्टर था, पेज नंबर 35 जो है वो आपका अपना रीड करने वाला चैप्टर है, वो भी जो मैंने आपको समझाया जितना भी बेसिक कॉन्सेप्ट है, ठीक है, वो सब उसी में ही है. अब हम आते हैं एक्सरसाइज की तरफ. एक्सरसाइज ए, चूज द करेक्ट वर्ड एंड राइट इन द स्पेस प्रोवाइडेड. नंबर वन इज द डैश हेल्प्स टू पॉइंट थिंग्स ऑन अ कंप्यूटर. इसमें हमारे पास बी ऑप्शन आ जाता है, माउस. बी ऑप्शन को आपने मार्क करना है और आपने ब्लैंक को फिल भी करना है. सेकेंड ऑप्शन, सेकेंड वन इज द साउंड यू हियर ऑन प्रेसिंग अ माउस बटन इज क्लिक. ठीक है, ए ऑप्शन इसमें दे, क्लिक को आपने मार्क करना है और ब्लैंक में फिल कर देना है. थर्ड वन इज द डैश इज ऑलवेज केप्ट ऑन अ माउस पैड. इसमें हमारे पास आ जाता है बी ऑप्शन, कंप्यूटर माउस. Then fourth one is when you press the left mouse button two times it is called double click. B option aa jayega isme, right. Then say exercise B hai, hamare paas fill in the blanks with missing letters. Mouse has two buttons. Isme buttons ke spelling aayenge BUTTONS, buttons. Second one is the mouse is kept on a mouse pad. MOUSE mouse, PAD pad. Third one is the arrow on the computer monitor is called mouse pointer. MOUSE mouse, POINTER pointer. Fourth one is pressing on the left mouse button is called left click. LEFT left, CLICK click. Exercise C is tick the correct and cross the wrong ones. Number one is a mouse has five buttons. No. Number two is mouse pad helps to keep away dust. Yes. When you press a mouse button, you hear a click sound. Yes. Mouse pad should not be used. Karna chahiye, use karna chahiye. ठीक है? तो इसको आपने cross कर देना है. Mouse helps to point things on a computer. Yes. अच्छा, एक्सरसाइज डी जो है ये मैं कॉपी पे करवाती हूँ, या आप इधर लिख लीजिएगा, डन ऑन कॉपी. एक्सरसाइज ई आपने खुद करनी है, इसमें आपने बताना है कि करेक्ट वे ऑफ होल्डिंग अ माउस क्या है, ठीक है. देन 38 पेज पे भी एक्सरसाइज एफ, वो भी आपने खुद करनी है, आपको होमवर्क है. लुक एट द टू पिक्चर्स गिवन बिलो, इसमें आपने 10 डिफरेंस बताने हैं दोनों पिक्चर्स में, ठीक है. और अब आपका कॉपी वर्क की वीडियो इंशाल्लाह.